कुछ दिन पहले गूगल ने लॉन्च कर दिया है अपना गूगल का पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सल, और मैंने दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है आप किस तरह से किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो कि एंड्रॉयड 9.0 पाई के अंदर रन करता है उसके अंदर किस तरह से आप गूगल पिक्सल 3 का कैमरा को इंस्टॉल कर पाओगे। दोस्तों बता दो, उस वीडियो के अंदर मैं बताया था ये जो एपीके है इसके अंदर आपको गूगल पिक्सल 3 का सभी फीचर्स नहीं मिलता है, जैसे कि टॉप शॉट, नाइट स्लाइड, प्लेग्राउंड, H.265 की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइफ लेस करके जितने भी पिक्सल 3 और 3 एक्सल की फीचर्स है उस एपीके के अंदर नहीं दिया गया है। पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप गूगल पिक्सल 3 कैमरा के सभी फीचर्स को अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर यूज़ कर पाओगे। दोस्तों इस मेथड के लिए आपके डिवाइस के ऊपर रूट एक्सेस होना चाहिए, विदाउट रूट ये काम नहीं करेगा। और दोस्तों बता दूँ ये जो मेथड है दोस्तों गूगल का पिक्सल 2 और पिक्सल 2 एक्सेल के ऊपर काम कर रहा है और बाकी सभी फ़ोन के अंदर काम करेगा जिसके भी अंदर एंड्रॉयड 9.0 काम करता है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन का नाम है बिल्ड प्रॉम्प्ट एडिटर, उसके साथ साथ बता दूँ आपको गूगल का कैमरा को डाउनलोड करना होगा, गूगल पिक्सल 3 कैमरा का, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको बिल्ड प्रॉम्प्ट के अंदर एक लाइन को ऐड करना होगा, उसके बाद आप रेडी टू गो हो, आप पिक्सल 3 एक्सेल की सभी फीचर को यूज कर पाओगे। दोस्तों बता दूँ जो पिक्सल 2 और पिक्सल 2 एक्सेल है उसके अंदर ऑलरेडी पिक्सल विजुअल कोड रिलीज है, ऑलरेडी पिक्सल विजुअल कोड इनेबल है, सो इसके लिए कोई भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों जो काम होता है दोस्तों पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सेल के अंदर वो मोस्टली काम दोस्तों सॉफ्टवेयर से होता है, कोई भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों पिक्सल 2 और पिक्सल 2 एक्सेल के अंदर पिक्सल विजुअल कोड मिल जाता है तो आप पिक्सल 3 और पिक्सल 3 कैमरा की सभी फीचर को यूज कर पाओगे अपने डिवाइस के ऊपर। दोस्तों इसके लिए आपको जरूरत होगी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बिल्ड प्रॉम्प्ट। दोस्तों आप कैमरा एपीके को डाउनलोड कर लीजिए हमारे लिंक से, उसके साथ साथ जो बिल्ड प्रॉम्प्ट एडिटर है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे लिंक से, सो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना मत भूलना। सो ठीक है दोस्तों, आपका जो बिल्ड प्रॉम्प्ट एडिटर है उसे ओपन कर लिए, बिल्ड प्रॉम्प्ट एडिटर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको पहली दफ़ा रूट एक्सेस है, उसके लिए आपको एग्री करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के ऊपर रूट एक्सेस दे चुका हूँ और इसलिए मुझे नहीं आक्स कर रहा है। सो आप जब पहली दफ़ा ओपन करोगे तो आपको एक रूट परमिशन के लिए अलाउ कर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पेंसिल आइकॉन है उसे टैप कीजिए, इस तरह से कुछ ओपन होगा, सीधा नीचे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आप टैप करके आपको 3 लाइंस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा लाइन ऐड करना होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप पिक्सल 3 एक्सेल और पिक्सल 3 दोनों के लिए मिलेगा, जो भी डिवाइस के अंदर आप करना चाहते हो कर सकते हो। आपको बता दो जो एपीके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है दोस्तों वो पिक्सल 3 का है, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कोड्स है दोस्तों आप पिक्सल 3 का दीजिए ना कि पिक्सल 3 एक्सेल का, ठीक है। सो पिक्सल 3 का कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए, सो मैं जो लिख रहा हूँ वही से ही आप फॉलो कीजिए, अगर आप चाहो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। वेरी सिंपल दोस्तों, यहाँ पर टैप करो, उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको इसे सेव करना पड़ेगा, सो यहाँ पर जो सेव का आइकन है दोस्तों इसमें आपको सेव कर लेना होगा, ठीक है। दोस्तों सेव करने के बाद आपके पास जो गूगल कैमरा है उसके अंदर सभी पिक्सल 3 और 3 एक्सेल का फीचर को अनलॉक हो जाएगा, उसके अंदर आप सभी पिक्सल और पिक्सल 3 एक्सेल का जो जो फीचर है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था टॉप शॉट, प्लेग्राउंड, फोटो बूथ, मोशन, ऑटो फोकस सभी काम करेगा उस 3 लाइन को ऐड करने के बाद। ये जो मेथड है दोस्तों सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइस के ऊपर ही काम करेगा, बाकी कोई भी डिवाइस के ऊपर काम नहीं करेगा। एनीवे दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर से दबाइए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।